अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महेंद्रगढ़ आरपीएस स्कूल खातौद में क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में एक मेले का आयोजन एवं रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों के खेलने के लिए खिलौने एवं विभिन्न प्रकार के झूले व क्रिसमस की विभिन्न प्रकार की आकृति बनाकर प्रस्तुत की गई। वहाँ पर स्कूल के बच्चों के अलावा अभिभावकों ने भी खूब इस मेले का लुत्फ उठाया। आरपीएस स्कूल की चेयरपर्सन पवित्रा राव ने बताया कि आरपीएस स्कूल के प्रांगण में यह कार्यक्रम का एक पहला आयोजन एवं पहली शुरुआत की गई है और इसमें जो भी पैसा अभिभावकों एवं बच्चों द्वारा लिया गया है वह गरीब बच्चों के लिए उनको शिक्षा देने के लिए खर्च किया जाएगा। यह पैसा एक ट्रस्ट में जाएगा जिससे गरीब बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि हमें इस बात की खुशी है कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी इस मेले का लुत्फ उठाया है। इस मेले में अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं छोटे छोटे बच्चों द्वारा नृत्य एवं क्रिसमस की झलक देख लोग काफी प्रसन्न हुए और स्कूल की सराहना की। इस आयोजन के उपलक्ष्य में आरपीएस स्कूल की चेयरपर्सन पवित्रा राव, मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष राव एवं स्कूल की प्रिंसिपल और उनके साथ अनेकों स्टाफ के लोग उपस्थित रहे। स्टेज पे बुलाया गया है कि मैं बताऊं आज का प्रोग्राम कैसा रहा। मैं मेरी प्रिंसिपल को और उनकी टीम को फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि महेंद्रगढ़ में शिक्षा का कुछ स्तर नहीं है या यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज का स्तर नहीं है तो शायद वो बहुत गलत सोचते हैं। अगर मैं बात करूँ आज ही की, आज सुबह से मैं देख रही हूँ जो स्टैंडर्ड आज बच्चों ने दिया है, ये स्टैंडर्ड शायद दिल्ली और गुड़गांव तक मुझे देखने को नहीं मिला है। इतना स्टैमिना है बच्चों में, आज सुबह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो शायद हमारे क्षेत्र महेंद्रगढ़ में भी ही हो सकता है। तो मुझे तो लगता है ये बैकवर्ड वर्ड ना बहुत गलत लगाया हुआ है, हमें तो फॉरवर्ड एंड ग्रेट एंड सुपर्ब एंड अनपैरेलल हमें तो वर्ड्स का यूज करना चाहिए महेंद्रगढ़ के बच्चे और पेरेंट्स से। मैं तो ये कहूंगी ये बच्चे पता नहीं कौन सी चक्री का आटा खाते हैं। देखिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इतना बढ़िया स्टैंडर्ड आज हमारे स्कूल ने दिया है। आज आरपीएस स्कूल ने दिखा दिया कि महेंद्रगढ़ किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, यहाँ के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ मेरे हार्ड वर्किंग स्टाफ मेंबर्स का और पेरेंट्स का। ये सब आप लोगों की मेहनत है टीचर्स। अगर आप लोग दिन और रात इनके साथ काम ना करें, आप रात और दिन इनके साथ मेहनत ना करें तो शायद ये बच्चे यहाँ नहीं पहुँचते। आज के ही प्रोग्राम की बात कर लीजिए, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस बच्चों ने दी है जो बहुत ही तारीफ के काबिल है। और मुझे लगता है अब शायद क्षेत्र के लोगों को लगा होगा कि हमारा क्षेत्र एजुकेशन में बहुत बहुत आगे है। और अगर हम बदलाव की बात करें किसी भी क्षेत्र की, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही तो हो सकता है। मैं बार बार कहूंगी, बार बार ले रही हूँ टीचर्स का, मेरे प्रिंसिपल का, कि वो इस क्षेत्र के में एजुकेशन, इतनी अच्छी एजुकेशन दे करके इन बच्चों को बहुत ही काबिल बना रहे हैं। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले टाइम में ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र का ही नहीं, मैं तो कहूँगी अपने राज्य का, अपने देश का बहुत नाम रोशन करेंगे, बहुत नाम रोशन करेंगे। आज जो प्रोग्राम की क्वालिटी थी, जो स्टैंडर्ड था, वो जो हम बात करते हैं ना बहुत महंगे और बड़े बड़े स्कूलों में, गुड़गांव में और दिल्ली में, वो भी नहीं शायद देखने को मिलता। एक चीज और बता दूं कि हम लोगों ने जो ये पैसा यहाँ से इकट्ठा किया है टिकट का 10 रुपीज, ये भी हम एक एनजीओ में देना चाह रहे हैं ताकि और अशिक्षित बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो, वो भी आगे बढ़े, किसी न किसी तरह से उनको भी शिक्षा मिले। थैंक यू सो मच। महेंद्रगढ़ से ब्यूरो हेड कृष्ण सैनी की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।